मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि टीटू बेटा तू बहुत अच्छा सुन मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि टीटू बेटा तू बहुत अच्छा सुनता है, यू आर अ गुड लिसनर। पहले तो मुझे लगा कि इनडायरेक्टली कुत्ता बुला दी क्योंकि वो दूर का सुन लेते हैं। फिर ये तो किस बात का 40 रुपये ले रहा है बे? पहले तो मुझे लगा इनडायरेक्टली कुत्ता बुला रही है। फिर मुझे एहसास हुआ मैं तो सिर्फ 2 साल का हूँ, अच्छा तो सुनूंगा ही, क्योंकि मैं जैसे ही कुछ बोलता था दूध की बोतल मेरे मुंह में, चॉकलेट मेरे मुंह में। वो आखिरी बार था जब मैंने कुछ मुंह में लिया, उसके बाद मैंने सिर्फ दिया है करारा जवाब, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि बोलना कितना जरूरी है और वो भी सच, क्योंकि लोग आपको जब हल्के में लेते हैं ना, जब आप सच बोलते हो तो वो आपसे दूर भागने लगते हैं। तो यही मेरी जिंदगी का असली फंडा है और इसी के साथ मैं अपना सारा जीवन बिताता हूँ। क्या बिताता हूँ? जाइए, सबको गाली खाने का मौका मिलेगा। बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है गजल नहीं, चल बे बनकर क्या कर। मुझे हमेशा से एमसी बनना था, एमसी मतलब होस्ट, एंकर। मैं आज तक अपनी लाइफ में किसी सेलिब्रिटी से नहीं मिला, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन एक बार मैं अमित जी के घर के बाहर जाके खड़ा हुआ भीड़ में, तो मैंने देखा देखूं कैसे दिखते हैं रियल लाइफ में। तो फिर एक लंबा चौड़ा आदमी आया और उसने अपना हाथ हिलाया। मैंने कहा मेरा ख्वाब पूरा हो गया, मेरे सामने बच्चन साहब है। लेकिन फिर ध्यान से देखा तो देखा वो उनका सिक्योरिटी गार्ड था, जो कह रहा था चल भाई यहाँ से निकल वरना चाटा मारूंगा। खैर, आज के हमारे मेहमान वो हैं जिन्होंने टूटे हुए जहाज के सामने रोमांस करने का गूदा रखा है, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि चलती ट्रेन में समोसे कैसे बेच सकते हैं, जिनके घर के बाहर इतनी लंबी लाइन लगती है कि राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन साला फेल हो जाए। इनके जूते में ही मैग्नेट नहीं है, ये असल जिंदगी में भी चिक मैग्नेट है। और इन्होंने अपने 26 साल के बॉलीवुड करियर में बस 26 साल ही राज किया है। इब्राहिम के पप्पा और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो सकते थे जो, शाहरुख खान। थैंक यू वेरी मच टीटू, बहुत बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी तुमने मुझको, लगता है काफी रिसर्च किया तुमने। अरे गूगल पे अगर आप किंग लिखोगे तो पहले 4 रिकमेंडेशन आपके नाम पे है, 5वें नंबर पे किंग कॉन्ग आता है। अरे चुप बे, मुझे अपने नाम पे गूगल करने की क्या जरूरत है, हैं? मैं अपना नाम गूगल करूंगा। वैसे बहुत लोगों को पता नहीं है लेकिन मैं शाहरुख भाई के घर रह चुका हूँ कई बार। अच्छा, मैंने तुम्हें काम पर रखा था किसी? नहीं। तुम मेरे घर पे ड्राइवर थे? अरे नहीं, फिर गार्डनर हो गए? अरे गार्डन की घास का घोंसला, मैं आपके घर के बाहर था जब आप अपने फैन को वेव करने जाते हैं बर्थडे पे, तो मैं वही था बगल में बहुत बार। मेरे साथ? हाँ। अबे नहीं, मैंने तुम्हें नहीं देखा यार, तुम्हारे जैसा चेहरा तो मैं बिल्कुल पहचान लेता। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? मुझे पता था। नहीं नहीं, बिस्किट उस्किट नहीं खाऊंगा मैं भी यार। अरे बिस्किट खाने लायक है भी नहीं। ये देखो, ये खड़ा हूँ मैं बगल में, ये देखो। अच्छा अच्छा, ये वो टॉयलेट साफ करने आए थे तुम? मैं गलती से गार्डनर समझा तुमको। खैर तो बेटा लोग, आज मैं शाहरुख भाई से बहुत कैजुअली बात करूंगा, कुछ सवाल है मेरे मन में और कविता के मन में। कविता कौन है? मेरी गौरी। हाँ, शादीशुदा हो तुम? हाँ, भगवान की दया से 2 बच्चे भी नहीं है। वो भी कैसे सकते हैं? अरे नाना, नॉलेज पूरी है, कविता तो मुझे रोज हिंट देती है, सुबह सुबह उठते ही गाना चला देती है, मेरे घर आई एक नन्ही परी, लेकिन मेरा नाम भी टीटू है, मैं भी चला देता हूँ, बन के तितली में उड़ा कहीं दूर। खैर, एक ये बात की मुझे बेहद खुशी है कि अरे यार, इतनी दूर से आए हैं, चाय कॉफी बंटा शराब कुछ तो पूछ लो। सॉरी सॉरी सॉरी, चाय कॉफी बंटा शराब। कॉफी कॉफी। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, अरे कॉफी कॉफी चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा, अरे कब खाली है? अरे तुम्हें कितनी बार बोला इसमें चाय कॉफी शराब कुछ तो रखा करो। क्या लो गया? ब्लैक कॉफी। हाँ, एक ब्लैक कॉफी और एक कड़क अदरक वाली चाय। तुम भी ना ब्लैक कॉफी पिया करो। अरे नाना, सिर्फ चाय, खून से ज्यादा चाय दौड़ती है मेरे जिस्म में, उसके बिना काम होता ही नहीं। तो सुबह सुबह चाय पत्ती निकलती होगी खूब। वैसे मुझे एक चीज पूछनी है आपसे, लोगों को आपकी फिल्मों के डायलॉग इतने याद हैं, आपका कौन सा अपना सबसे फेवरेट डायलॉग है? वैसे तो यार, अगर तुम भी कोई मुझसे फरमाइश करो मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग है फिल्म बाजीगर में से यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो उसका। मैं सुनाऊं? बिल्कुल। तुम नहीं भी बोलते तो सुनाता मैं। नहीं, मेरा हाथ है ये। अच्छा, यहाँ था ये, ठीक है।
डायलॉग है कि कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। और दिवाली पे जो छुट्टी पे चला जाए उसको कारीगर कहते हैं। तू मेरे डायलॉग की ना धजिया मत उड़ा, बड़े कीमती है मेरे डायलॉग, मूंछ खींच लूंगा मैं तेरी। अरे नहीं, लेकिन ना मुझे आपसे एक बहुत जरूरी फेवर चाहिए। अरे हट बे, मैं फ्री में फेवर वेवर नहीं करता हूँ किसी। अरे फ्री में करना ही नहीं है, मैं बिल भेज दूंगा आपको, 40% एडवांस दे देना और बाकी के बाद में। फिर ठीक है, अब समझ में आई बात, मुझे बता क्या फेवर चाहिए। अरे वो भाभी इंटीरियर डिजाइनर है ना, तो मुझे भी अपने घर को स्वर्ग बनाना है, उनको अगर आप बोल दोगे कि प्लीज मेरे घर की इंटीरियर डिजाइनिंग कर दे, तो मेरा मन्नत भी थोड़ा जन्नत लगने लगेगा। वो ऐसे छोटे मोटे घरों की ना ऐसे मुरम्मत नहीं करती, उसको महल वेल नहीं बना सकती। और वैसे भी तू क्या करेगा स्वर्ग बना के, तेरे पास जो आते हैं उनको चाय तो पूछता नहीं है तू। अरे चाय नहीं आई अभी तक, पहले एपिसोड में बेइज्जती करवा दो मेरी। पैसे तो नहीं दिए आपने। अरे तो जेब में 20 रुपए नहीं होते क्या, और एडवांस जो मिलता है उसकी क्या बत्ती बनाते हो? साढ़े कोई 20 रुपए पैसे मेरे पास है बिल्कुल जीरो, जीरो, जीरो पैसे में रखता ही नहीं, बिल्कुल मेरी जेब खाली है, जीरो मेरे पास कार्ड है। प्रमोशन करना कोई इनसे सीखे, प्लगइन करना कोई इनसे सीखे। एक 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 बात पूछनी है मुझे आपसे, ये बादशाह नाम कैसे पड़ा? जैसे हम सुनते हैं कि अक्षय भाई को सब खिलाड़ी बुलाते हैं, संजय सर को सब बाबा बुलाते हैं, सलमान भाई को भाई बुलाते हैं, रितेश देशमुख को रितेश देशमुख बुलाते हैं, वैसे आपका नाम बादशाह कैसे पड़ा? बड़ी सिंपल सी बात है यार, मैं एक्चुअली ना क्या है, सबके दिलों पे राज करता हूँ। कभी राहुल बन के, कभी विजय बन के, कभी रवि बन के, कभी कभी राज करता हूँ। जो राज करता है वो राजा होता है, उर्दू में उसको बादशाह कहते हैं, इसलिए मेरा नाम बादशाह पड़ गया। वाह, तभी लड़कियाँ पागल हैं आपके पीछे। अरे मुझे कोई टिप दो ना मेरी वाइफ को इम्प्रेस करने का, परसों बर्थडे है उसका। ठीक है, तो कविता के पास जाओ और जाकर उससे वो 3 वर्ड्स बोल दो। चल पैसे निकाल। अबे नहीं, ये कोई वसूली का धंधा नहीं है, पैसे निकाल नहीं। कविता, कल 3:30 बजे तक मैं तुमसे नफरत करता रहा, फिर 4:15 बजे में तुमसे मोहब्बत हो गई। आई लव यू। कल 3:30 बजे मैं तेरे से नफरत करता रहा, 4:15 बजे मोहब्बत हो गई, आई लव यू। अबे ऐसे थोड़ा बोलते हैं, हफ्ता मांग रहा जैसे अपनी बीवी से, प्यार से बोल आई लव यू। आई लव यू। अच्छा रहने दो, ये मत बोल, ये मत बोलना प्लीज। तो ऐसा करना, इसके इसके बजाय तू बोलना, जब तक जहां में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू। प्यार से बोलना, जैसे अभी सिखाया था। जब तक यहाँ में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू, तू मेरी कविता, मैं तेरा टीटू। अरे वाह, अरे क्या बता दिया सर, क्या बता दिया। अरे थैंक यू, बहुत खुश हो जाएगी कविता। अच्छा शाहरुख भाई, ये जो बच्चे ये शो देख रहे हैं, इनके साथ एक मसला है, ये 2-2 बजे तक सोते नहीं हैं, कुचू पुचू सोना मोना करते रहते हैं, आप उनको क्या बोलना चाह रहे हैं आप बताइए। तो यार मैं तो खुद वैसे ही यार रात भर सोता नहीं हूँ, 5-5 बजे तक जागता रहता हूँ, तो मैं किसी को क्या नसीहत दे सकता हूँ। मगर फिर भी अगर आप बच्चे लोग जाग भी रहे हो ना, तो थोड़ा सा प्लीज़ लिमिट में करो यार। क्या है ना, जैसे टीटू ने मुझे सिखाया है कि दूसरों के गड्ढों के चक्कर में अपनी आँखों के गड्ढों पर थोड़ा सा ध्यान दो। डिम्पल्स की बात कर रहा हूँ। तुझे भी जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। अरे उठता हूँ ना मैं रात को, कभी कभी 4 बजे एडजस्ट करके करवट ले लेता हूँ। क्या एडजस्ट करके? अभी लेंगे यहाँ छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। क्या आपने कभी सस्ता होटल में किया है बुकिंग? वेलकम बैक टू द शो। मेरा सर से एक बहुत जरूरी सवाल है, आपको कोई ऐसी जगह पता है जहाँ से टैटू रिमूव हो जाए? नहीं यार टैटू, सॉरी, मैंने कभी ना टैटू करवाया ही नहीं अपने ऊपर, तो मुझे कैसे पता होगा कि उसको रिमूव कैसे करते हैं। मैंने कभी करवाया। क्या हुआ? What? ठीक हो? अरे मेरा एक दोस्त है, उसने अपने पीठ के पीछे पेड़ का पत्ता बनाया है, तो मैंने कहा ज्यादा पानी मत दियो नहीं तो पेड़ उग जाएगा। हाँ और पेड़ उग गया तो झाड़ रूट्स कहीं पर भी घुस सकती हैं। अरे मैंने जीरो का ट्रेलर देखा शाहरुख भाई, जीरो का ट्रेलर देखा मैंने, आपका अनुभव कैसा रहा उसमें?
बहुत बहुत मजा आया यार मुझे टीटू जीरो, तुम फिल्म जरूर देखना यार अगर तुम्हें वक्त मिले तो, हाँ जाकर, और बहुत मज़ेदार फिल्म है, और पता है अपने से छोटा अपने से कम, क्योंकि हम तुम हम सब के सब थोड़े थोड़े कमतरी हैं यार, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कमियों में हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और एक ही ज़िंदगी मिली है उसको जी लेना चाहिए। तो बउआ का जो कैरेक्टर है वो ऐसा ही है यार कि ज़ीरो को एक तरफ से देखो तो कुछ नहीं, ज़ीरो को दूसरी तरफ से देखो तो पूरा कंप्लीट है। तो ये एक्सपीरियंस मुझको बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ी फिलॉसफी तुम्हारी समझ में नहीं आई होगी बट फिर भी अरे एक एक्स्ट्रा फैन होती ना खाने लायक तो मज़ा आ जाता, चाहे तो आई रही होगी, देखता हूँ अभी। तो आप ये बताओ, ये जो इतने सारे बच्चे आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, बड़े भी फॉलो करते हैं, तो आजकल दिल टूट रहे हैं सबके, हार्ट ब्रेक हो रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे कि उनका मन हल्का हो जाए या जो भी? मैं बच्चों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, तुम्हारा शो बहुत पॉपुलर है, बट क्या है यार, कभी दिल लग जाए, दिल टूट जाए, दिल ख़राब हो जाए तो फिक्र मत करो, ज़िंदगी बहुत सारी बाकी है, कुछ छोटा मोटा नुकसान ऊपर नीचे हो तो जो भगवान है, खुदा है, गॉड है, और जो नेचर है वो एंड में ना सब कुछ ठीक ही कर देती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसके अंदर मुझे लगा सब लुट गया, सब खत्म हो गया, सब ज़ीरो हो गया, प्लग करते हुए ज़ीरो हो गया, लेकिन यार हर बुरी चीज़ में से कोई अच्छाई निकली है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा, दिल मत ख़राब करो, दिल कच्चा मत करो, मन कच्चा मत करो, हमेशा हमेशा खुश रहो। तो बेटा लोग, अगर आपका कोई काम आज रुका हुआ है तो वो कल हो जाएगा, अगर कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, लेकिन रुकना नहीं है, बेबी स्टेप्स आर ऑलवेज बेटर देन स्टॉपिंग। तो इसी के साथ आज का पहला एपिसोड खत्म करते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो सकते थे जो शाहरुख खान, सर मेरा फोन उठा लीजिएगा। मुझे तुम्हारी शक्ल से लगता है कि तुम बहुत सारे मिस्ड कॉल मारोगे मुझको यार। ओके थैंक यू, कट करो भाई। हाँ भाई, ये कैमरा, तू कल क्यों नहीं आ गया, तेरा 250 रुपए काटूंगा मैं, और कल आना टाइम से, ठीक है तुम? हाँ सर, रिक्शा में चलते, 2 मिनट रुक जाओ, मेरा ड्राइवर आ चुका। हाँ उसको बोल देंगे, 3 लोग आ जाएंगे रिक्शा में, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी लेकर आ चुका। हाँ तो उसको बोल दो हमारे पीछे रिक्शा में लगा दे। क्या पागल आदमी है यार। अरे मेरे को लालबत्ती तक तो छोड़ दो। अरे सर। हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, द फर्स्ट एपिसोड ऑफ टीटू टॉक्स विथ दी शाहरुख खान। मैं हाथ पैर कांप रहे, मेरे हाथ पैर फूले हुए। तो तुम लोग भी यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इसके चैनल को, है? और 21 दिसंबर 0 आ रही है, क्या चंपी है ये, 21 दिसंबर को 0 रिलीज हो रही है, जाके देखना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सेकंड डे फर्स्ट शो, हर डे का हर शो जाके देखो। एंड अच्छा चुप हो जा, चंपी करा, तुम लोग इतने अनलकी हो, ये हो रहा है मेरे साथ। हाँ सर थोड़ा पीछे इधर, अरे कट कर दो। बैठ जाइए, सबको गाली खाने का मौका मिलेगा। शाबाश शाबाश।